वाकई अद्भुत संगम है जहां राम नाम की ही सिर्फ चर्चा है और राममय बना दिया है आचार्य जी ने वाकई। और जहां भी ये बात जा रही है, जहां तक ये आवाज जा रही है, हर जगह सिर्फ राम ही राम और राम ही राम की बातें हैं। रेता में कहा गया, चल रहा था बात, रेता में कहीं सुने हैं कहा जाता है कि केवल भगवान का स्मरण कर लीजिए, खाई का पी पूजा पाठ विधि व्यवहार तो होता है, अगर आप उसमें उतना भी मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि कलयुग में बहुत सारा चेंजेज हुआ है, तो थोड़ा अगर राम का नाम अगर उच्चरित कर लेते हैं या भजन सुन लेते हैं जैसे उन्होंने अभी सुनाया या आचार्य जी राम कथा सुनाएंगे तो बहुत बहुत बड़ा काम हो जाता है। और यकीन मानिए, काम चाहे कुछ भी हो, अच्छा काम भी करें खराब काम भी करें, कोई भी काम करें अच्छा करते हैं, भगवान की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। सुख और संपत्ति का अर्जन जो आप चाहते हो, जो आपका प्रिय विषय है, वह भी भगवान की कृपा से भगवान के नाम से होता है। रामगढ़वा में 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ सह श्री राम कथा के 7वें दिन का शुभारंभ पूर्वी चंपारण जिले के नामचीन चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार, वरीय सांस्कृत कर्मी अभय आनंद एवं रवीश मिश्रा तथा भारतीय जीवन बीमा के वरिष्ठ अधिकारी सह वरीय सांस्कृत कर्मी अनिल कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन संबोधन में डॉक्टर अतुल कुमार ने कहा, सतयुग में तप से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में दान से जो फल मिलता है, कलयुग में केवल श्री राम नाम सम्मरण से ही उस फल की सहज प्राप्ति हो जाती है। श्री राम नाम के जप से ही जीव की जन्म जन्मांतर की समस्त आदि व्याधि दूर हो जाती है और प्रभु शरण गति की प्राप्ति हो जाती है। श्री अभय अनंत ने कहा कि भगवान राम विषम परिस्थितियों में भी नीति सम्मत रहे, उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की, स्वयं की भावना व सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया, फिर चाहे राज्य त्यागने, बाली का वध करने, रावण का संहार करने या सीता को वन भेजने की बात ही क्यों न हो। साथ ही श्री रविश कुमार मिश्रा ने भगवान राम के जीवन के कई अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सहनशीलता व धैर्य भगवान राम का विशेष गुण है। कैकेयी की आज्ञा से वन में 14 वर्ष बिताना, समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तपस्या करना, सीता को त्यागने के बाद राजा होते हुए भी सन्यासी की भांति जीवन बिताना उनकी सहनशीलता की प्रकाष्ठा है। वहीं LIC अधिकारी सह वरीय संस्कृत कर्मी अनिल वर्मा ने कहा कि भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन कठिन संघर्षों के बावजूद उच्च नैतिक मूल्य व आदर्शों की बुनियाद पर टिका था। श्री वर्मा ने कहा कि श्री राम का जीवन दर्शक उनका विराट व्यक्तित्व अद्भुत है, राजधर्म त्याग उनके कण कण में बसा था, इसलिए श्री राम सिर्फ भारत के बहुसंख्यक वर्ग के इष्ट और आराध्य नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति के शिखर पुरुष हैं। महायज्ञ में कटिहार से आए देश के प्रख्यात श्री राम कथावाचक आचार्य पंडित गिरीशानंद जी महाराज अपने ओजपूर्ण वाणी से कथा राम के प्रसंगों की सुंदर व्याख्या से वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं। अनिल वर्मा ने बताया कि महायज्ञ के शुभारंभ से एक दिन पूर्व भव्य मंदिर निर्माण व श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उन्होंने कहा कि महायज्ञ में श्री राम कथा का रसास्वादन करके सुदूर ग्रामीण इलाके से बड़ी संख्या में महिला पुरुष भक्तजन आ रहे हैं। मौके पर पत्रकार शांतनु श्रीवास्तव, मदर्स एडवाइस एकेडमी के निदेशक राजन श्रीवास्तव, आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद वर्मा, सचिव श्यामदेव पांडे, कोषाध्यक्ष मिथिलेश कुमार वर्मा, मोतीलाल, पवन कुमार, विक्रमा सिंह, संजय कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।